उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु शारदीय नवरात्र से वासंतिक नवरात्र के मध्य मिशन शक्ति विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। ये अभियान 7 चरणों में 180 दिन तक चलेगा, जिसका प्रथम चरण 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक संचालित किया गया है, जिसमें कुल 24 विभागों द्वारा प्रतिदिन भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन कर महिला एवं बालिका शिक्षा सुरक्षा सम्मान स्वावलंबन एवं उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों तथा सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। मिशन शक्ति अभियान के प्रथम चरण के अंतिम दिन 25 अक्टूबर को एनेक्सिस भवन सभागार में जनपद की महिला योद्धा के रूप में चिन्हित करते हुए सम्मानित किए जाने के लिए सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समापन समारोह के कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष अंजू चौधरी द्वारा किया गया तथा कार्यक्रम में चौरी चौरा विधायक संगीता यादव, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग से निर्मला द्विवेदी, जिला प्रशासन के जिला अधिकारी के विजेंद्र पांडियन, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार, जिला प्रमोशन अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए चौरी चौरा विधायक संगीता यादव और जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने कहा, अगर महिलाओं को इंपावर करना है तो चीजें हमें बिना जो हमारे स्टैंडर्ड सोच के तरीके से हटके भी करनी पड़ेगी। तो हम लोग उनको एक मार्केट देने के लिए और जो कोरोना काल में उनकी इनकम पे असर आया है तो उनको हम लोग इम्पैक्ट करना चाहेंगे, जिसमें मेरे जो हमारी असेसमेंट है हम लोग 3,000 से 5,000 तक परिवारों को हम इनकम दे पाएंगे। तो 5 दिन की एग्जीबिशन होगी जिसमें उन्होंने छोटे छोटे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हर तरह के प्रोडक्ट्स को लोग अपने हाथों से बनाए हुए वहाँ एग्जीबिट करेंगे। तो आप सबको जो दीपावली से पहले 5 दिन होंगे विकास भवन के प्रांगण में वो एग्जीबिशन लगेगी। अगर जो आप स्पेशली तो नोटिफाई कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक विकास भवन ही है तो आप लोग अपनी फैमिली के साथ आके वहाँ पे दीपावली के लिए परचेज कर सकते हैं। तो आपसे मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारी वर्किंग में कहीं भी कोई किसी तरह का भी आइडियाज देना चाहते हैं वो हमें हम ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। जैसे आज सुबह डिस्कशन हो रही थी प्राइवेट सेक्टर से, तो उन्होंने ये कहा कि सर हम लोग ऐसा करते हैं एक लाइब्रेरी ओपन करते हैं। मेरा आइडिया था कि एक लाइब्रेरी सबके लिए करते हैं, तो उन्होंने कहा डेडिकेटेड महिलाओं के लिए करिए लाइब्रेरी ओपन, जिसमें हर कॉम्पिटिशन की बुक्स रखी जाए और वो स्पेस बिल्कुल सिक्योर हो और वहाँ पे पुलिस भी हो ताकि वो कभी भी वहाँ बैठ के पढ़ सके और फ्री में वो मतलब एंट्री हो और हर तरह की किताब जिससे कि पढ़ाई ना किसी की उनके शहरी शहरी क्षेत्र में वहाँ पे सक्सेसफुल रहता तो हम ब्लॉक कर भी आ सकते हैं। तो ऐसे कोई भी आइडिया जो आपको लगता है कि विकास भवन इम्प्लीमेंट कर सकता है, गोरखपुर का एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंट कर सकता है, तो आप दे सकते हैं। कहीं भी आप देते हैं कि महिलाएं बहुत वर्किंग मतलब वहाँ वर्किंग प्रोफेशन जाते हैं तो क्रैक्स की जरूरत है तो उसको भी खोला जा सकता है। यहाँ भी मतलब मैंने पहले देखा कि कोई ऐसे बच्चों के लिए कैच प्राइवेट जरूर होंगे लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में या हॉस्पिटल्स में या कहीं भी ऐसे नहीं है। फीडिंग रूम्स बड़े कम हैं, हमें स्पेसेस जो हमारी पब्लिक स्पेसेस है उसको भी फीमेल के लिए फीमेल ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा। टॉयलेट्स तक नहीं है वहाँ, इवन आज भी हमारी सरकारी बिल्डिंग्स में महिलाओं के टॉयलेट्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, नहीं है, ऑडिट करा लीजिए। कोई कहीं से आगे आएगा, कोई कहाँ से बताएगा, तब जाके ये कुछ ना कुछ 6 महीनों का जो ये मिशन है इसका हमें आउटकम समझ आएगा कि कैसे है। एक तो सोच जो है उसको चाहिए, नोटिफाइड अधिकार है उसको जरूर मिले, उससे वो वंचित ना रहे। ये होगा कैसे, जब आप लोग संगठित हो जाएंगे, संगठित होकर अपने फोरम बनाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट किए हैं तो वो बहुत सारी ऐसी महिलाएं छूट जाएंगी जो आप बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। वो नाम नहीं कि हम लोग जब सेकेंड फेज कभी भी ऐसा रखेंगे तो उनको भी जरूर एप्रिशिएट करेंगे। नारियां
पूजनीय होती रही है और उनकी पूजा की जाती रही है। और देवताओं ने भी ऐसा किया है, धन की उन्होंने लक्ष्मी को चुना, शक्ति के लिए उन्होंने दुर्गा को चुना और ज्ञान के लिए उन्होंने सरस्वती को चुना। तो इसका मतलब कि उतने पहले से हम जिन्होंने अपने आप को पहचान लिया, अपने ज्ञान को पहचान लिया, अपनी शक्ति को पहचान लिया, वो पूजनीय हो गए। और अधिकारी भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, कप्तान साहब और श्री साहब के आए हुए सभी साथियों। वैसे आज सुबह अवसर पर सभी का मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ये दिन में आप लोग समय निकल के आए हैं, आज सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। ताकि सरकार का ये महत्वाकांक्षी योजना है, एक दिन दो दिन नहीं चलेगी, छः महीने चलेगा, 180 दिन का है। और पहले बार प्रयास हो रहा है उत्तर प्रदेश में सभी विभाग आपस की समन्वय विचार करके ये महिला शक्ति के लिए यानी जो सशक्तिकरण के लिए सभी विभाग कंधे से कंधे लगा करके असली बदलाव लाने के लिए प्रयास हो रहा है। और हम लोग इसी जनपद में आप लोग इसलिए चुने हैं, शक्ति योद्धा के रूप से आपको आज हम सम्मानित करेंगे। ताकि यहाँ आए हुए कितने साथी हो, आप लोग मेहनत से जो जगह हासिल किए हैं सभी वर्ग का हम लोग कवर करने के लिए कोशिश किए हैं। जरूर ये 100 का संख्या बहुत कम है, हम और लोग भी जोड़ने चाहते हैं। इसके खिलाड़ी लोग भी हैं, डॉक्टर लोग भी हैं, ऑफिसर लोग भी हैं, पुलिस लोग भी हैं, सभी वर्ग का जोड़ने के लिए प्रयास किए हैं। वैसे इस समय में त्योहार के नाते से छोटी कार्यक्रम कराना पड़ रहा, और कोविड के नाते से ये छोटी कार्यक्रम कराना पड़ रहा, बट आप लोग क्या अचीव किए हैं, कितने माइलस्टोन आप लोग पार किए हैं, कितने कठिनाई आप लोग का सामने करना पड़ा। आप एक तरफ उदाहरण के तौर से और बाकी महिला को प्रेरित कराने के लिए आपको हम लोग सामने लाए हैं, ये हाईलाइट किए हैं। आपको अलग अलग स्टोरी हम लोग पेपर में कवर करेंगे आगे जो आने वाले दिन में, ताकि आपसे बहुत लोग प्रेरणा लेंगे। आप लोग इसी स्तर पर पहुँचने के लिए, स्थान पर पहुँचने के लिए कितने मेहनत किए हैं और कितने कितने बैरियर्स को तोड़ना पड़ा। वैसे भारत में नहीं पूरी दुनिया में महिला शक्ति सबसे प्रथम शक्ति माना जाता है। महिला शक्ति का रक्षा करने के लिए पुरुष का जन्म हुआ। प्रकृति में देखेंगे पहले का जो छोटी छोटी जंतु है उसको पुरुष है नहीं, केवल महिला ही है अभी भी है। एमिलिया देखें, बैक्टीरिया देखें, वायरस देखें, जो भी मेडिकल फील्ड में जानते हैं। उसी के बाद फिर ये जो तब हम लोग का सेटिंग्स का और जो या बंदर का जो जन्म हुआ है, जो भी हुआ है, उसमें जो बंदर से बंदर यानी कि एक जानवर से दूसरे जानवर को बचाने के लिए शारीरिक ताकत का जरूर पड़ा, इसलिए एवोल्यूशन हिस्ट्री में पुरुष को जन्म हुआ। उसके बाद इनका काम तो पुरुष का काम तो महिला शक्ति को रक्षा करना है, ताकि महिला ही सृजन का शक्ति है, वही ये जो भी वर्ग है समूह है उसे आगे बढ़ा सकती है। पर कहीं ना कहीं पालन में चूक हो गया, कहीं ना कहीं तो गलती से आदमी का मन में ये चुक गया है, वो चुकी तेरे को मुक्ति दे उसी दे चीज। उसी के बाद अनावश्यक एक भेदभाव है, अनावश्यक एक ऊपर नीचे देखने के लिए एक स्थिति है, ये आदिवासी भी क्रिएटर है, ज्यादा नहीं 2000 साल से ये क्रिएटर है, ये मिट भी जाएगा। ताकि आदिवासी भी क्रिएटर है, ये प्रकृति में नहीं है, बट ये समझाना बताना हम लोग को जरूरी है, ताकि कहीं ना कहीं ये गलत लर्निंग हुआ है उसका रीलर्निंग कराना होगा, सही कराना होगा। खासतौर से देखिए ये आपको जिम्मेदारी है सर, मातृशक्ति के रूप से घर पे लड़का लड़की दोनों को पालते हैं, तो उस पर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए कभी भी। ताकि जो हम पहले जो गाँव में काम करते थे उस समय में ये भी देखने के लिए मिलता है, तो लड़का को दूध मिलता है, लड़की को कुछ नहीं देते, लड़का का अच्छा स्कूल में भेजते हैं, लड़की को कहाँ नहीं भेजते हैं। इसी टाइप का भेदभाव देखे देखे जो लड़की अपने ही महसूस करने लगी तो ठीक है, मैं कमजोर हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, ये अंदर यदि तो गलत महसूस करने लगे ना, वही समाप्त हो जाए उनका जो भी मेहनत है, वही समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने जीवन देते ही और किसी हाथ में दे देती है, उनके दिल में उनका माँ बाप लेगा, उनका नहीं तो भाई लेगा, तो फिर वही समाप्त हो जाता, फिर वैसे खत्म भी हो जाता है। मैं चाहता हूँ आप लोग जो बैरियर जोड़े हैं उसको बता दीजिए, समझा दीजिए। हमेशा कहते हैं ये तो यहाँ दुनिया में अभी भी है, जो गलत सही का डेफिनेशन है आदमी अपने अपने हिसाब से देते हैं,
यानी आदमी से ज्यादा जज लोग जा रहे हैं जजमेंट कराने वाले, तो गलत तैयारी होगा सही नहीं, ये सही है। इसी का आपको मोटा छमी रखना पड़ेगा, लेकिन छोटी छोटी चीज के लिए आप जो है जुटते हैं उसी का फायदा लेते हैं, और कोई बात जो भी हो वो महिला भी हो सकती है पुरुष भी हो सकते हैं। ये जजमेंट करने का अधिकार किसी को नहीं दिए, ये गलत जजमेंट कर रहे हैं, उसको एक आदमी सुन के एग्जाम में निकलना चाहिए था। और मैं चाहता हूँ ये ग्लास सीलिंग कहते हैं, यानी वाकई में सशक्तिकरण तब आता है, वाकई में जो आप हासिल करने चाहते हैं वहां तक पहुंचने के लिए जो भी बाधा है सारे मिट जाएगा, खत्म हो जाता है, तब वाकई में सशक्तिकरण माना जाता है। आप लोग अंत में पहुंचे हैं, आप लोग भी बहुत सारे बैरियर थोड़े होंगे, आपके घर का बैरियर और समूह का बैरियर जो भी है, आप और लोग भी प्रेरणा दीजिए, प्रेरित करिए, ताकि आपसे देखने में और महिला भी आगे बढ़े। और ये जरूर हम चाहते हैं इसी जनरेशन में ये जो गैप है महिला पुरुष का जो भी है भेदभाव है ये मिट जाए, खत्म हो जाए, और महिला हम लोग से आगे लीड करके ले जाए, यही मेरा अपेक्षा है। जय हिंद। भारत से जोड़ने के लिए सुश्री अक्षरा सिंह मैम का योगदान अभूतपूर्व रहा है। शिक्षिका और माध्यमिका महिला किशोरियों से संबंधित गठित कमेटियों में सक्रिय जिला में श्रीमती सुनीता पटेल उप जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी, अन्ना चिकित्सक जिला चिकित्सा चिकित्सालय स्टाफ नर्स जनरल भूषण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चंदौली, लैंगिक समानता भ्रूण हत्या को रोकने के लिए किशोरियों में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उत्थान के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया और मेडल योगदान करके हमें गौरवान्वित करें। विद्यालय में कार्यरत समस्त शिक्षिकाओं एवं अध्ययनरत छात्र वक्ता एडी गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज की बेटी की शिक्षिका वाद विवाद प्रतियोगिता जैसा कि हमारी आकांक्षा है कि समस्त महिलाएं स्वावलंबित एक बार देखो जाओ पीछे आ जाइए, पीछे देखो भैया थोड़ा पीछे भैया आप नचा रहे हैं, आप पीछे आ जाइए। अब आ रहा हिल गया ना कैमरा। मोदी जी की इतनी बढ़िया अच्छी पहल हुई है, अगर हम थोड़ी थोड़ी महिलाओं को भी जागरूक कर सके तो महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का एक बहुत अच्छा प्रयास है, और इसमें प्रशासन बहुत एक्टिव है, इसलिए मुझे यकीन है कि ये मिशन बहुत सफल होगा, और ये इतने पावन पवित्र अवसर पर किया जा रहा है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। मैम आप खुद एक महिला है और मिशन शक्ति अभियान जो चलाया जा रहा है, इससे महिलाओं और बालिकाओं को कितना फायदा होगा? बहुत फायदा मिलेगा। देखिए अभी कुछ दिन, जिस दिन ये प्रारंभ किया गया, मैं गोरखपुर जिले में थी 100 स्कूटी को हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया, हमारे प्रभारी मंत्री जी रमापति शास्त्री भाई साहब भी थे। देखिए ये ऐसा प्रयास है कि स्कूल में कॉलेज में जहाँ आप पुलिस की गाड़ी पड़ी है वहाँ स्कूटी में लगा पुलिस अधिकारी पहुँचेंगे, कर्मचारी पहुँचेंगे, तो ये एक अच्छी पहल की गई है। और देखिए कोई भी मिशन तब सफल होगा जब आप मीडिया के बंधु और जन जागरूकता उसमें सहयोग करेगी, तो मैं आपसे भी अपील करूँगी कि इस मिशन को सफल करने में अपना भी योगदान दें। मैम आज किन किन इसमें देखिए जो प्रशासनिक अधिकारी थी उनको भी बुलाया गया है, हमारे लेखपाल, सेक्रेटरी, उप जिलाधिकारी और आंगनबाड़ी में जो उन्होंने अच्छा काम किया, कुछ लोगों ने एनजीओ में बहुत अच्छा काम किया है, प्रयास किया गया है कि समाज के हर एक वर्ग में, राजनीतिक क्षेत्र से हमी थे, अंजू दीदी थी, हर एक वर्ग में जो भी कोई महिला उत्कृष्ट कार्य कर रही है उन सबों को एक सराहना, एक प्रोत्साहन देने का प्रयास इसमें किया गया है। आज मिशन शक्ति का कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण योजना है, शक्ति योद्धा लोग का हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। यहाँ गोरखपुर में तकरीबन 100 शक्ति योद्धा को हम लोग चयन किए हैं, ये विभिन्न विभाग से है, विभाग के अलावा बाहर से भी है, यानी इस पर खिलाड़ी लोग भी है,
ऑटो चालक भी है, महिला ऑटो चालक, महिला कंडक्टर भी है, डॉक्टर भी है और यहाँ ऑफिसरगण भी है, सभी वर्ग का हम लोग कवर किए ताकि एक उदाहरण के तौर से हम तो समूह के सामने पेश करने चाहते और महिला के पेश करने चाहते इन लोग कितने मुश्किलें आगे पार करते हुए इसी स्थान को ग्रहण किया है, वैसे और लोगों को भी प्रेरणा के रूप से ये काम करेंगे। उसी के आज ये कार्यक्रम समापन हुआ है। मैं आपके भी चाहता हूँ यहाँ का जो कितने युक्ता है इन लोगों को धीरे धीरे कवर करिए, इन लोग का जनता तक पहुँच जाए, इन लोग अपने ज़िंदगी में कितने लड़ाई लड़के इस जगह हासिल किए हैं और लोग लड़के भी इसी के प्रेरणा लेते हुए और आ जाएंगे उस पर। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि लगभग 100 से भी ऊपर हमारी शक्ति योद्धा महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्हें सम्मानित किया गया है, चाहे वो कोरोना के लिए काम किया हो, डॉक्टर्स हों, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को शिक्षित करना, कैसे सुरक्षित रहना है कोरोना के दरमियान, उसके बाद जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभियान चल रहा है जो उन्होंने पहली नवरात्र के पहले दिन से शुरू किया था मिशन शक्ति, उसके तहत जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश थे उन सबको हमारी बहनों ने पूरा किया है। वो लोगों को सुरक्षित रहने के लिए क्या क्या जो मिशन शक्ति में अभियान में बताए गए हैं उन सबको उन्होंने सबको बताया है कि हेल्प डेस्क लाइन रहेगा हर थाना पर, महिला हेल्प डेस्क लाइन, जहाँ की वो अपनी बातों को रख सकती हैं। पॉस्को एक्ट के तहत जो बच्चे और महिलाओं के ऊपर हर तरह की हिंसा हो रही है और बलात्कार बढ़ रहा है उन सबको रोकने के लिए उन्होंने उसको सख्ती करने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ हर पंडाल हो या कहीं भी गैदरिंग हो वहाँ पर हमारी पुलिस कर्मी नॉर्मल ड्रेस में रहेंगी ताकि कोई भी अपराधी हो उसके अंदर उसको पकड़ करके बंद कर दिया जा सके। जो अफवाह उड़ाने वाले लोग हैं उन लोग के ऊपर भी सख्ती की जाएगी, किसी तरह का अफवाहबाजों को सहन नहीं किया जाएगा। मीडिया से भी अनुरोध किया गया है कि जो सही बात है उसकी जानकारी करके ही मीडिया उसको लोगों के बीच में रखें, और इसके साथ साथ निर्देशित किया गया है कि हमारे पंचायत लेवल हो, चाहे निगम लेवल हो, चाहे महापालिका हो, जहाँ भी हो, जितने उसके वार्ड के सदस्य इत्यादि हैं वो लोग सब इस मामला को सीरियसली लें और हर हफ्ते एक मीटिंग कर करके जो भी मामला उनके सामने आता है उसके ऊपर विचार करें कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, और उसके बाद मंथ में एक बार DGP और मुख्य प्रमुख सचिव ये लोग मिल करके उस बात को निरीक्षण करेंगे, समझेंगे और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके से जितने उपद्रवी हैं जिनको कहा जाए उन लोगों का पोस्टर भी चिपकाने का काम करने को किया गया है। ऐसे लोगों को किसी तरीके से समाज में क्या उत्तर प्रदेश में रहने नहीं दिया जाएगा, ऐसा माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि हम हर तरह से अपनी महिलाओं को, अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। उनके ऊपर जो हर तरह की हिंसा हो रही है और हर तरह की समझिए कि दूषित कार्य करने में लोग बिल्कुल संकोच नहीं कर रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, उनको रोका जाएगा। तो ये मिशन शक्ति का मुख्य उद्देश्य है, उसी लिए के तहत आज अलग अलग क्षेत्रों से जितनी हमारी महिलाएं, चाहे गांव क्षेत्र हो चाहे शहर क्षेत्र हो, जो काम किया है उन लोगों ने उन्हें सम्मानित किया गया सरकार की तरफ से।